क्वेश्चन नंबर टू अमित इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बसंत एंड देयर फोर इज एबल टू फिनिश अ जॉब सिक्सटी डेज लेस देन बसंत वर्किंग टूगेदर दे कैन डू इट इन अमित है और बसंत है अब क्या कह रहा है कि अमित इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमन एज बसंत तो अगर बसंत वन यूनिट काम करेगा तो अमित कितना काम करेगा थ्री यूनिट तो ऑबियस बात है अगर अमित किसी काम को करने में वन डे लेगा तो बसंत उस काम को करने में कितना दिन लेगा थ्री डेज लेगा अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा टू डेज का बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अमित टेक सिक्सटी डेज लेस देन बसंत अमित सिक्सटी डेज लेस देन तो ऑब्वियस ही बात है इस दोनों को सिक्सटी डेज का डिफरेंस क्रिएट करना है तो हमें इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें थर्टी से मल्टीप्लाई करना होगा तो अगर अमित थर्टी डेज में काम करता है तो बसंत कितने दिन में करेगा नाइन्टी डेज में तभी जाकर दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा सिक्सटी का अब क्या कह रहा है वर्किंग टूगेदर कैन डू इट इन तो अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया अमित किसी काम को करता है थर्टी डेज में और बसंत उस काम को करता है नाइन्टी डेज में तो अज्यूम कर लो टोटल वर्क डन कितना है नाइन्टी यूनिट का तो अमित पर डे कितना काम करेगा थ्री यूनिट और बसंत पोर्डे कितना काम करेगा वन यूनिट इन दोनों का कंबाइंड एफिशियसी कितना आएगा फोर यूनिट का और टोटल वर्क डन हमारे पास कितना है नाइन्टी यूनिट तो टाइम कितना लगेगा नाइन्टी अपॉन फोर दैट एम्प्लाई ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डेज आंसर ऑप्शन नंबर बी